तो गुरुदेव। गुरुदेव, वर्तमान समय काल में तीर्थ रक्षा का प्रकल्प और कर्म सिद्धांत, इन दोनों के बीच में समन्वय कैसे हो, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, हम अपने पुरुषार्थ को पीछे नहीं हटने देंगे। हम भविष्य को जानते नहीं हैं, जो पर्याय होने वाली उसको हम जानते नहीं, उसके हम ज्ञाता नहीं हैं, तो हम पुरुषार्थ की किंचित भी हानि होने नहीं देंगे। चाहे तीर्थ रक्षा हो, धर्म रक्षा हो, गुरुओं की रक्षा हो, जिनवाणी की रक्षा हो, किसी भी परिस्थिति में हम इनकी रक्षा समाप्त नहीं करेंगे। कर्म सिद्धांत का क्या होगा महाराज जी? कर्म सिद्धांत का क्या होगा? आप कर्म को जानते नहीं हो कि क्या क्या होगा। हो सकता है आप भगवान भरोसे बैठे हो और भगवान आपकी मेहनत के भरोसे बैठे हो। इसलिए तीर्थ रक्षा करना, धर्म रक्षा करना, ये इसके लिए पुरुषार्थ बंद नहीं करना। हम पुरुषार्थ बंद नहीं करेंगे, कर्मों की भवितव्यता हम नहीं जानते, लेकिन पुरुषार्थ मेरा मैं जानता हूं, और कर्मों को जीतने की शक्ति पुरुषार्थ में है, कर्मों में नहीं। अगर कर्म बलवान है, कर्म सिद्धांत अगर बलवान है, फिर तीर्थंकरों का पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा। फिर तो कर्म तो अनंत हैं, कारमाण वर्गण हमारे पास कब से हैं, अनादि से हैं, कितनी है, अनंत पुद्गल पिंड है, फिर कब जीतेंगे? पुरुषार्थ से जीतेंगे। एक नहीं, सौ लोग क्यों ना हो, आप अकेले ताकत रखते हो तो सब पीछे हटेंगे। ऐसे ही आप बिल्कुल धैर्य रखना, तीर्थ रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देना, कुछ हो ना हो पुण्य तो हमको मिलेगा। नमस्ते गुरुदेव। 21 तारीख को भैया जो जैन दुकान खोले उसको कटोरा दे देना, भैया जो जैन दुकान खोले उसको कटोरा दे देना, और पूरी समाज से चंदा करके उसको बोलना साल भर का राशन ले भाई, तू इतना भूखा है कि शिखर जी के नाम पर तू अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं कर पाया। सब जितने सर्विस वाले, नौकरी चली जाए तो चली जाए, घबराना नहीं, शिखर जी नहीं जाना चाहिए, किसी परिस्थिति में पीछे नहीं हटना भैया। अब प्रदर्शन हमारा अहिंसक होना चाहिए, अपनी मर्यादा को तोड़ करके नहीं, लेकिन अपनी मर्यादा को टूटने भी नहीं देंगे, खून बहाएंगे नहीं, ना बहाने देंगे किसी को, लेकिन अपने क्षेत्रों में भी कभी किसी जीव का खून बहने नहीं देंगे।